इस बीच बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है। यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, पार्टी से नाराज लुईस मरांडी जेएम में शामिल। बीजेपी पर गुटबाजी का आरोप भी मरांडी की तरफ से लगाया गया है। आपको बताते चलें कि 2014 में दुमका विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन को 5000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने मात दी थी। 3 बार के विधायक इससे पहले जो है वो जेएमएम में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें यहां से और ज्यादा बढ़ती हुई बीजेपी पर। हालांकि इस पूरे मामले में उन्होंने गुटबाजी का आरोप भी लगाया है। लुईस मरांडी ने 2014 में दुमका में हेमंत सोरेन को पटकनी दी थी, मात दी थी। 3 बार के विधायक रहे केदार हाजरा भी जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। तो बीजेपी के लिए झारखंड में बड़ा झटका। इस बीच बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है। यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, पार्टी से नाराज लुईस मरांडी जेएमएम में शामिल। बीजेपी पर गुटबाजी का आरोप भी मरांडी की तरफ से लगाया गया है। आपको बताते चलें कि 2014 में दुमका विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन को 5000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने मात दी थी। 3 बार के विधायक इससे पहले जो है वो जेएमएम में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें यहां से और ज्यादा बढ़ती हुई बीजेपी पर। हालांकि इस पूरे मामले में उन्होंने गुटबाजी का आरोप भी लगाया है। लुईस मरांडी ने 2014 में दुमका में हेमंत सोरेन को पटकनी दी थी, मात दी थी। 3 बार के विधायक रहे केदार हाजरा भी जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। तो बीजेपी के लिए झारखंड में बड़ा झटका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। इस बीच बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है। यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, पार्टी से नाराज लुईस मरांडी जेएम में शामिल। बीजेपी पर गुटबाजी का आरोप भी मरांडी की तरफ से लगाया गया है। आपको बताते चलें कि 2014 में दुमका विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन को 5000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने मात दी थी। 3 बार के विधायक इससे पहले जो है वो जेएमएम में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें यहां से और ज्यादा बढ़ती हुई बीजेपी पर। हालांकि इस पूरे मामले में उन्होंने गुटबाजी का आरोप भी लगाया है। लुईस मरांडी ने 2014 में दुमका में हेमंत सोरेन को पटकनी दी थी, मात दी थी। 3 बार के विधायक रहे केदार हाजरा भी जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। तो बीजेपी के लिए झारखंड में बड़ा झटका। इस बीच बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है। यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, पार्टी से नाराज लुईस मरांडी जेएमएम में शामिल। बीजेपी पर गुटबाजी का आरोप भी मरांडी की तरफ से लगाया गया है। आपको बताते चलें कि 2014 में दुमका विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन को 5000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने मात दी थी। 3 बार के विधायक इससे पहले जो है वो जेएमएम में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें यहां से और ज्यादा बढ़ती हुई बीजेपी पर। हालांकि इस पूरे मामले में उन्होंने गुटबाजी का आरोप भी लगाया है। लुईस मरांडी ने 2014 में दुमका में हेमंत सोरेन को पटकनी दी थी, मात दी थी। 3 बार के विधायक रहे केदार हाजरा भी जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। तो बीजेपी के लिए झारखंड में बड़ा झटका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। इस बीच बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है। यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, पार्टी से नाराज लुईस मरांडी जेएमएम में शामिल। बीजेपी पर गुटबाजी का आरोप भी मरांडी की तरफ से लगाया गया है। आपको बताते चलें कि 2014 में दुमका विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन को 5000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने मात दी थी। 3 बार के विधायक इससे पहले जो है वो जेएमएम में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें यहां से और ज्यादा बढ़ती हुई बीजेपी पर। हालांकि इस पूरे मामले में उन्होंने गुटबाजी का आरोप भी लगाया है। लुईस मरांडी ने 2014 में दुमका में हेमंत सोरेन को पटकनी दी थी, मात दी थी। 3 बार के विधायक रहे केदार हाजरा भी जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। तो बीजेपी के लिए झारखंड में बड़ा झटका। इस बीच बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है। यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, पार्टी से नाराज लुईस मरांडी जेएमएम में शामिल। बीजेपी पर गुटबाजी का आरोप भी मरांडी की तरफ से लगाया गया है। आपको बताते चलें कि 2014 में दुमका विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन को 5000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने मात दी थी। 3 बार के विधायक इससे पहले जो है वो जेएमएम में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें यहां से और ज्यादा बढ़ती हुई बीजेपी पर। हालांकि इस पूरे मामले में उन्होंने गुटबाजी का आरोप भी लगाया है। लुईस मरांडी ने 2014 में दुमका में हेमंत सोरेन को पटकनी दी थी, मात दी थी। 3 बार के विधायक रहे केदार हाजरा भी जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। तो बीजेपी के लिए झारखंड में पड़ा